Hello friends, so today our new topic is division. Okay, तो हम अभी division लेने वाले हैं. Maths topic है हमारा division. Page number 49 पे open करना है. Page number 49 पे हम division देखेंगे कैसे करना है. तो कुछ division के problem यहाँ पे solve करके देखते हैं, ठीक है. तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन का एक आधी प्रॉब्लम लेते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिया हमने 30. कौन से नंबर से डिवाइड दिया, डिवाइड करना है आपको 100 से. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आने वाला जो ये नंबर आपका आंसर आएगा उसे क्वेश्चन बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसे, क्वेश्चन. QUQUO TIENT. ये स्पेलिंग थोड़ा सा अलग है तो आपको याद रखना है स्पेलिंग QUOTIENT. ये क्वेश्चन है. तो ये जो आंसर आता है वो आपका, वो आंसर, इसको क्या बोलते हैं, हम क्वेश्चन बोलते हैं. ओके, तो इस तरह हम यहाँ पे डिवीजन करके देखते हैं. ओके, ये जो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, डिवाइजर बोलेंगे. इस नंबर को क्या बोलेंगे, डिवाइजर डिवाइजर बोलेंगे. ओके, और ये 100, ये जो यहाँ पे जो नंबर रहता है नीचे वाला, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, उस नंबर को हम बोलेंगे डिविडेंड. ओके, डिविडेंड. अभी ये हो गया, अब इसको डिवाइड करना है, बरोबर है. तो 30 से 30 का टेबल आपको आता है, तो 30 मल्टीप्लाई 10, या पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड. तो हम क्या करेंगे, एक तो डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, या 3 से 30 मल्टीप्लाई 9 अगर करते हैं तो 9 3 27, बट 3 3 300. ओके, तो इस तरह हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, 100 मल्टीप्लाई 3 मतलब ये हो गया 90. ओके, इससे अगर दूसरा नंबर लेते हैं तो वो 30 मल्टीप्लाई 4 ले सकते हैं, तो वो हो जाएगा 120. तो 120 से आप 120 100 में से माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हमें जो नंबर लेना है उससे पहले जो आने वाला है वही लेना है. 30 मल्टीप्लाई 3 मतलब ये 90. आप यहाँ पे 90 लिखेंगे. आपने कितने टाइम्स टेबल बोला है, वो 30 का वो 3 टाइम बोला है, तो हम यहाँ पे 3 क्या पे लेंगे, ये लेंगे यहाँ पे. इसे बोलते हैं क्वेश्चन. ओके, तो 100 माइनस 90 यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो ये 10. ओके, इस 10 को हम क्या बोलेंगे, ये 10 को हम बोलेंगे रिमाइंडर. क्या बोलेंगे, रिमाइंडर. ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा. इस तरह आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है. डिवीजन के कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करते हैं. एक ये प्रॉब्लम मैंने आपको समझा के दिया, याद रखना आपको क्वेश्चन किसे बोलते हैं, रिमाइंडर किसे बोलते हैं, और डिविडेंड किसे बोलते हैं, रिमाइंडर, और डिवाइजर, ये सभी आपको याद रखना है. तो एक आधी प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम यहाँ पे लेते हैं, 8 72 डिवाइड 8. इस नंबर को हम किस कैसे फिट करेंगे यहाँ पे डिवीजन के साइन में, इस तरह डिवाइड करना है. ये वाला 8 आपको यहाँ पे लेना है, ये डिवाइजर होता है कभी भी, और ये 72 डिविडेंड होता है. तो 8 का टेबल आपको कितने टाइम बोलना है, 8 आप ये 7 में डिवाइड नहीं होगा, तो ये एक यहाँ पे सिंगल डिजिट नहीं लेंगे, यहाँ पे डबल डिजिट लेना है, क्योंकि 8 से ये 7 छोटा है, इसलिए आपको ये दोनों डिजिट लेना है, यानी 72. तो 8 का टेबल कितने टाइम, 9 टाइम, तो आ जाएगा ये 72. डायरेक्ट फिक्स नंबर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल अच्छा है, पर एकाधी वो फिक्स नंबर नहीं आता है. तो पहले के प्रॉब्लम में हमने देखा है कौन सा नंबर लेना है, तो 8 9 72, तो ये 9 और 72 और माइनस, यहाँ पे 2 माइनस 2, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 7 माइनस 7 0. इस तरह रिमाइंडर यहाँ पे कोई है क्या, कुछ भी नहीं है, तो रिमाइंडर 0 हो गया, यानी ये कम्प्लीटली ये नंबर डिवाइड है किससे, 8 से. ओके, इस तरह हमने एक्सरसाइज 1 में से एक प्रॉब्लम लिया है.
उसी में कहें एक प्रॉब्लम है, फाइंड द कॉन्शियंट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम एक आधे लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रॉब्लम लेते हैं। लॉन्ग डिवीजन कैसे करना है, बिल्कुल सेम डिवीजन है जैसे आप वो छोटी वाली डिवीजन करते हो वैसे ही आपको वो लॉन्ग डिवीजन करना है, तो उसमें कोई टाइम नहीं लगता। पहला प्रॉब्लम ही लेंगे हम, 396 डिवाइड 4। 396 डिवाइड 4 है, बराबर है। तो इसको पहले हम यहाँ पे फिट करते हैं ये नंबर को, ये 4 आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका डिवाइज़र। तो ये डिवाइज़र डिविडेंड कौन सा है, 396। ये 396 डिवाइज़र हो गया। अभी मैंने बोला आपको कि ये 4 से ये वाला नंबर पहला वाला छोटा है तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे तो वो दो नंबर लेंगे। ओके, या आप जीरो से भी डिवाइड कर सकते हो, तो इस तरह हम ये ले सकते हैं, 4 × 0 = 0। तो यहाँ पे आ जाएंगे 0 और यहाँ पे 0, तो आप ये माइनस करके ये वंस अगेन वही नंबर आ जाएगा। तो इस तरह आप इस नंबर को ले सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी पहले इसमें डायरेक्ट भी यहाँ पे ले सकते हो, जीरो लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये 4 × आपको ये दो नंबर को याद रखना है। अभी टू डिजिट्स है, टू डिजिट यानी 39। आपको 4 का टेबल कितने टाइम बोलना है, 39 आने तक के बोलना है। तो 4 × 4 × 8 = हम यहाँ से 4 × 8 = 32। ये 32 इससे छोटे, और एक बार 4 × 9 = और 4 × 10 = 40। आपको कितने लेना है, 39 लेना है, बराबर है। 39 कौन से दो नंबर के बीच में होगा, ये दो नंबर के बीच में, मतलब आपको कौन सा नंबर अभी यहाँ पे लेना है, इससे पहले वाला जो नंबर आया है वो 36। वो कैसे है, 4 का टेबल 9 टाइम आपने जब बोला तब ये 36 आए, तो ये आपको 36 यहाँ पे लेना है, 4 × 9। तो आपको ये 9 जो टाइमिंग है वो टाइम यहाँ पे लिखना है। ओके, 4 का टेबल 9 टाइम्स हमने रीड किया, तो वो 9 टाइम्स आंसर कितना आया, 36। तो हम यहाँ पे 36 लेते हैं। अभी यहाँ पे माइनस करना है, 9 − 6 मीन्स 3, 3 − 3 = 0। अभी यहाँ पे 3 आया, 0 आए, और यहाँ पे 3 रिमाइंडर, यहाँ पे 3 आया, बराबर है। और ये वाला 6 जो है वो नीचे उतरना है आपको, याद रखना है एक ही बार में, एक ही टाइम में, वन टाइम में वन नंबर वन डिजिट ही आप इसको उतार सकते हो। यहाँ पे अगर सपोज और कोई डिजिट होते तो ये सीधे पूरे डिजिट यहाँ पे नहीं उतारना है। ओके, तो 6 हमने उतारा यहाँ पे, ये हो गए 36। तो आपका 4 का टेबल आप कितने टाइम बोलेंगे, 9 टाइम वंस अगेन बोलेंगे, तब तो यहाँ पे जाके 96, 4 × 9 = 36। तो यहाँ पे 36 आ जाएंगे, ये 36 − 36 = 0, तो रिमाइंडर ये आ जाएगा, रिमाइंडर। ये हो गया आपका डिविडेंड, ये क्वेश्चंट और ये डिवाइजर। इस तरह आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ओके, एक आधी प्रॉब्लम्स हम अभी वर्ड्स प्रॉब्लम भी लेते हैं इसमें से। तो रागिनी 5th नंबर का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। 5th नंबर का प्रॉब्लम इसमें दिया है आपको, रागिनी बॉट 576 मीटर ऑफ क्लॉथ्स। रागिनी ने क्या किया, एक क्लॉथ्स लिया, वो क्लॉथ्स है कितने मीटर का था, 576 मीटर का, 576 मीटर का रागिनी ने क्या किया, रागिनी बॉट क्लॉथ खरीदी किया उसने, तो वो कितने मीटर का था, 576 मीटर का था, बराबर है। तो क्लॉथ्स टू मेक ड्रेस फॉर द स्कूल फंक्शन, स्कूल फंक्शन के लिए उसको ड्रेस खरीदी करना था, उसके लिए उसने क्या किया, 576 मीटर का क्लॉथ्स लिया उसने, क्लॉथ्स लिया। हाउ मेनी ड्रेस विल बी मेड इफ ईच ड्रेस नीड 4
मीटर क्लॉथ। अभी इसको अभी इतने हमारे पास कपड़ा कितना है, क्लॉथ कितना है, 576 मीटर का, और हमें एक ड्रेस के लिए ईच ड्रेस कितने मीटर का क्लॉथ लगता है, एक ड्रेस के लिए हमें 4 मीटर लगता है, कितने मीटर लगता है। तो ऐसे हम कितने ड्रेस बनाएंगे इस मीटर कपड़े में, तो ये आपको डिवाइड करना है 576 और 4, ओके सॉरी तो ये 4 मीटर से हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें कितने मीट कितने जो क्लॉथ्स यानी ड्रेसेस बनाना है वो सब आ जाएंगे इसमें सॉरी 4 सब 4 से डिवाइड करिए। देखो यहाँ पे पहले हमने जो सॉल्व किए प्रॉब्लम सभी प्रॉब्लम में यहाँ पे छोटा नंबर आता था, पर अभी ये 4 से बड़ा नंबर है, तो आप 4 का टेबल वन टाइम बोल के ये फिनिश कर सकते हो। 4 1 4 तो हमने ये यहाँ पे 1 टाइमिंग लिखा और यहाँ पे 4 लिखे, 5 माइनस 4 ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आपको यहाँ पे कौन सा 1 डिजिट एक ही डिजिट आपको यहाँ पे नीचे लेना है, तो हम यहाँ पे 7 ही नीचे लेंगे, 6 को बाद में लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो 4 का टेबल और 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 4 5 20 अभी हम 20 तक पहुंच गए, हमारे पास कितने हैं 17 है, तो 17 कौन से दो नंबर के बीच में होंगे, ये 16 और 20 के, तो 16 और 20 के बीच में ये दो नंबर हो गए, तो 16 के बाद में 17 आता है, बराबर है। तो आपको कौन सा नंबर, ये नंबर आप माइनस नहीं कर सकते इसमें से, तो उससे पहले जो नंबर आया कौन सा है वो 16 है, तो 16 आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। और 16 कैसे आए, ये 4 टाइम टेबल आपने रीड किया तब 16 आए, तो ये टाइम ऊपर लिखो, माइनस करना है 7 माइनस 6 यहाँ पे 1 1 माइनस 1 0। अभी आपको वंस अगेन ये 6 यहाँ पे नीचे लेना है, ये 6 मुझे मतलब यहाँ पे 16 आए, 4 का टेबल आप कितने टाइम बोलना है 16 आने तक, तो ऑलरेडी यहाँ पे 16 फुल नंबर है, तो हम 4 का टेबल 4 टाइम अगर बोलते हैं तो 16 आते सिक्स माइनस सिक्स 0 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 0, ये डिवाइजर है 4 और आपका क्वेश्चन है 144, मतलब आप 576 मीटर क्लॉथ में से क्लॉथ से हम ईच ड्रेस अगर एक ड्रेस को हम अगर 4 मीटर कपड़ा लगाते हैं तो ऐसे कितने ड्रेसेस बनाएंगे हम, यहाँ पे 144 ड्रेसेस यहाँ पे बना सकते हैं। इस तरह आपको सॉल्व करना है, ओके वेरी गुड। पेज नंबर 49 पे आपको एक्सरसाइज दिए 1, वो आपको सॉल्व करना है, बाद में हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। जैसे हमने एडिशन की प्रॉपर्टी देखी थी, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी देखी थी, मल्टीप्लिकेशन की भी देखी थी, और अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में क्या होता है, देखो पहली प्रॉपर्टी है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द कॉन्स्टेंट इज द नंबर इटसेल्फ। अभी किसी भी नंबर को हम अब अगर वही नंबर से या 1 से अगर डिवाइड करते हैं, 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर कौन सा नंबर आएगा, सेम वही नंबर आएगा, ओके। दूसरा एग्जांपल है, प्रॉपर्टी दूसरी है, किसी भी नंबर को हम उसी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं, 687 इसको डिवाइड अगर उसी नंबर से करते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाता है, उसका आंसर आएगा 1, हमेशा याद रखना किसी भी नंबर को हम उसी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है 1, और किसी भी नंबर से हम 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो वो नंबर आता है सेल्फ नंबर, उसका आंसर आता है, ओके कॉन्स्टेंट आता है। व्हेन 0 अगर किसी भी नंबर से, थर्ड नंबर है 0 को हम अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है,
ये भी हमेशा आपको याद रखना है। तो इस तरह आपको एक फार्मूला भी है, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड आपको निकालना है तो आपको इस तरह करना है, डिवाइजर डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट 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 प्लस रिमाइंडर रिमाइंडर। ओके, तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। डिविडेंड अगर निकालना है तो डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट, मतलब हमने यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिया, हमने सिक्स ट्वेल्व, सिक्स टू जा ट्वेल्व माइनस ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या होता है, यह एक खादी नंबर यहाँ पे बढ़ा देते हैं, यह सिक्स टू जा ट्वेल्व, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होता है, ज़ीरो रिमाइंडर, बराबर है, यह है रिमाइंडर, बराबर है। अभी यहाँ पे क्या किया हमने, सिक्स टू जा ट्वेल्व, सिक्स का टेबल टू टाइम मीन्स क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आया हमारा टू और रिमाइंडर आया ज़ीरो टू, तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे फिट करना है, सिक्स ये डिवाइजर है, मल्टीप्लाई क्वेश्चन कितना है टू है, प्लस आपको क्या करना है रिमाइंडर। इस तरह आप इसको अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा डिविडेंड कौन सा है, सिक्स है, तो ये डिविडेंड मिल जाएगा, सिक्स टू जा सॉरी डिविडेंड हमारा फोर्टीन है, तो ये फोर्टीन मिल जाएगा, सिक्स टू जा ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन, ये इस तरह हमारा डिविडेंड मिला। ओके, तो ये आपको सॉल्व करके देखना है, वेरी सिंपल है। तो आप इसमें से बहुत सारे प्रॉब्लम आप खुद कर सकते हो, हम एक बार और एक देखेंगे प्रॉब्लम इसमें से, ये प्रॉपर्टी हो गई, आपको ध्यान में रखना है प्रॉपर्टी कैसे है। तो अभी डिवीजन बाय टेन हंड्रेड एंड थाउजेंड्स, अगर आपको टेन से हंड्रेड से और थाउजेंड से अगर डिवाइड करना है तो आप क्या करेंगे, समझो आपके पास 47 है, आपको 10 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, 10 का 10 मल्टीप्लाई 4, जो पहला डिजिट आता है उसी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएंगे 40, तो हमने यहाँ पे 40 लिखे, कितने टाइम बोला है 4 टाइम, तो ये रिमाइंडर 7 आता है। सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इस तरह आपको डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड, ये है क्वेश्चन, ये है डिविडेंड और ये है डिवाइजर और ये है रिमाइंडर, इस तरह सॉल्व करना है। टेन टू फोर्टी फाइव, इससे अगर डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, इसको भी टेन 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 टू जा ट्वेंटी, टेन टू जा ट्वेंटी, तो यहाँ पे हम ट्वेंटी लेंगे, कितने टाइम बोला है हमने टेबल टू टाइम्स, तो हम यहाँ पे टू लेंगे, तो यहाँ पे रिमाइंड यहाँ पे आ जाएंगे फोर माइनस करके, ज़ीरो माइनस फोर माइनस ज़ीरो फोर, ये फोर्टी फाइव और यहाँ पे लेंगे, टेन मल्टीप्लाई और फोर करेंगे, ये फोर्टी आ जाएंगे, तो ये 40 माइनस करेंगे 4 यहाँ पे, तो ये 5 माइनस 0 माइनस 4 माइनस 4 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 5। इस तरह हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। ओके, 1000 से भी 100 से भी वैसे ही मल्टीप्लाई करना है और 1000 से भी वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। ओके, इस तरह आपको एक्सरसाइज पेज नंबर 3 पे, एक्सरसाइज 3 दी है पेज नंबर 52 पे सॉल्व करनी है, डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर, अभी बहुत लार्ज नंबर अगर रहता है तो उसको डिवाइड करते हैं कैसे है? ये हम अगले नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, अभी यहाँ पे आपको एक्सरसाइज 1, 2 और 3 सॉल्व करना है, कल बाकी के वीडियो में हम कल के पीरियड में देखेंगे। ओके, थैंक यू।